हाँ पॉज करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। और सुबह भी हो गई है, नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है, भूख सी भी लग रही है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा, फॉगी फॉगी, तो कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है। तो कुछ गरम गरम खाने के लिए तो चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं नाश्ते में हम। तो यहाँ मैंने ब्रेड आमलेट के लिए सामान तैयार कर लिया है, क्योंकि कल ही पकौड़े खाए थे तो पकौड़े तो नहीं बना रहे। प्याज और टमाटर को काट लेती हूँ। यहाँ मैंने बना लिया है ब्रेड आमलेट, तो आमलेट को मैं फोल्ड कर लूँगी ब्रेड के हिसाब से, मेज़रमेंट से। और यहाँ ब्रेड भी सिक गया है और ये तैयार हो गया हमारा ब्रेड आमलेट। और यहाँ मैं जो चावल थे उनको फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा, प्याज, टमाटर और कड़ी पत्ता है एंड तेज पत्ता, और यहाँ जो पिज़्ज़ा वाला जो हमारा सीजनिंग होता है ना, और चिली फ्लेक्स, उन सबको मिलाकर हल्दी नमक सबको मिला लेते हैं। और यहाँ डाल लेंगे वो चावल, और चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा फ्राई हो गए हैं और इसको मैं निकाल लेते हूँ। एंड अब ये तैयार है हमारा नाश्ता, ब्रेड आमलेट और फ्राइड चावल। तब को चाहिए था सॉस। सुबह क्लास लेने के बाद तब से ये देख ही रहा है, और अब टाइम हो रहा है 11। चलो नाश्ता कर लें, इसको बंद कर दो। हाँ पॉज कर दो। तो हमने नाश्ता कर लिया है और मंतव्य को दे दिया है मैंने दूध और गुड़, क्योंकि वो बाहर खेलने जा रहा था तो मैंने ये दूध भी पी जा, ताकि उसका नाश्ता अच्छे से पेट भर के हो जाए। मंतव्य चले गया खेलने, और यहाँ मैं अपने कपड़े धोने लग जाती हूँ, क्योंकि कुछ मंतव्य के थे जो कुछ वाइट कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, और कुछ मतलब मशीन में धो दिए थे, कुछ थोड़े बहुत ही थे तो उनको भी मैं हाथ से ही धो के डाल दी हूँ। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े उल्टे थे उनको सीधा कर देती हूँ सबसे पहले, और जो वाइट वाले थे उनको गलाने डाल दिया है। और यहाँ पर जो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो मुझे ब्रश लगाना है उनको, और जो ज़्यादा गंदे नहीं हैं उनको मैं हाथ से ही मीट के साफ कर दूँगी। और यहाँ ये वाइट कपड़ा आ गया है जिसको मुझे साबुन लगाकर ब्रश लगाना है, तो यहाँ मैं सब जगह पहले साबुन लगा देती हूँ उसमें। ये साबुन ब्रश लगाने के बाद ये साफ हो गया है, इसको थोड़ा बहुत हाथ से और मीड देती हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा जो साबुन और सर्फ का जो पानी निकला था, वो मैंने सर्फ वाली बाल्टी में कपड़ों के लिए डाल लिया, क्योंकि वो वैसे भी साफ पानी में करेंगे तो पानी को भी और ज़्यादा वो साबुन वाला पानी हो जाता है। तो इन कपड़ों को धोकर मैं साफ कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।